रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों को जीतने का दावा किया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कहा कि वो सोमवार को यमुनानगर में प्रचार करेंगे। बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों से भाग रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी 21 तारीख को यमुनानगर में जा रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी वो 22 तारीख को दादरी में और सोनीपत में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं दादरी और सोनीपत में, और 23 तारीख को अभी कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन प्रियंका जी राहुल जी दोनों 23 तारीख को भी हरियाणा में आएंगे। कहाँ आएंगे, क्या कार्यक्रम, वो आपकी जानकारी देंगे। अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है कि आश्चर्यचकित करने वाले चुनाव नतीजे भी रह सकते हैं।